अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेज। आज एक इंतहाई अफसोसनाक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आप भी समझेंगे कि आज वीडियो का टॉपिक ही चेंज हो गया है। और स्पेशली ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि इंतज़ामिया इस बात का नोटिस लें जो कि गैर अखलाकी और गैर शरी काम मुल्तान में होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। और अब मैं आपको इनका बताता हूँ कि ये एक मिसाज सेंटर है, ग्लो डे और SPN एंड सैलून मुल्तान के नाम से ये ओपन हुआ, जहाँ पे भी हुआ है। और इसमें सिर्फ मसाज सेंटर नहीं है, यहाँ पे एक बड़ी जो महरूमी की और दिल खराश बात है वो ये है कि यहाँ पे फीमेल स्टाफ है जो कि मेल्स को मसाज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है। और इनके ऊपर आप देखें कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फीमेल स्टाफ, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया है कि फीमेल स्टाफ है। और इनकी टाइमिंग चेक करें आप, दोपहर 2 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। और ये एड इनकी फेसबुक पे अभी भी चल रही है, अगर नहीं यकीन आता तो ये देख सकते हैं आप, इनकी एड फेसबुक पर अभी भी चल रही है। तो इसकी आज डेट है 26/6/2022। मैं मुल्तान की इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाए। ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि मर्दों को फीमेल जो हैं वो मसाज की सर्विसेज दें। और इनके पैकेजेस आप देख सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का इक्तफा नहीं किया, यहाँ पे मेंशन किया है और लोगों को रिप्लाइज कर रहे हैं। और अगर कोई पूछता भी है कि जी ये क्या सीन है, क्या है कि सिर्फ मेल्स ही मसाज कराएंगे या फीमेल करवाएंगी, और वो यहाँ पे कह रहे हैं जी फीमेल, तो ये कह रहे हैं हाँ जी यस। अब मैं आपको मज़ीद इनके कमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ। और तरसी भी, हम आवाम जो हमारी पाकिस्तानी आवाम तरसी भी होती है, तो उनकी भी कंडीशन देख लें कि वो किस कदर मैसेज कर रहे हैं। ओनली फॉर जेंट्स, अब वो कहते हैं नो मैम, आप फीमेल भी सर्विसेज ले सकती हैं। एक तो ये फ़ीमेल इनसे सर्विसेज लेंगी, आगे क्या होगा, आगे मैं आपको इन्हीं का कमेंट दिखाता हूँ। ये देखें जी, सर फीमेल मसाज करती हैं, और यहाँ पे आप इनके रिप्लाई चेक करें, हमारी तरसीबी इमाम जो है ना वो लपक लपक के इनकी तरफ जाने के लिए ख्वाहिशमंद है। और मैं इनके ऑल कमेंट्स खोलता हूँ और आपको कमेंट्स दिखा सकता हूँ, बल्कि मैं इसको दिखाना नहीं चाह रहा था। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनका ये सेंटर बंद हो, गैर अखलाकी है। और आजकल आपको वैसे भी पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है कि जो टाइमिंग है वो 9 बजे तमाम तर कारोबारी जो मामलात हैं, इदारे हैं, चीज़ें हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और इनकी टाइमिंग देख लें, इन्होंने टाइमिंग की अनाउंसमेंट की है दोपहर 2 बजे से रात 1 बजे तक। अब रात 1 बजे या 12 बजे या रात के 10-11 बजे कौन आएगा इनके पास करवाने? और जाहिर सी बात है ये कोई ऐसा फील नहीं होता कि ये लोग ठीक हैं या ठीक सर्विस दे रहे हैं और लोगों को बुराई की तरफ रागिब कर रहे हैं। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनका ये सेंटर बंद हो सके, और इस तरह के जितने भी सेंटर हैं उनको बंद होना चाहिए। थैंक यू सो मच।